समय किसी के लिए नहीं रुकता। खर्च हम होते हैं, पर अंत में रहता है सिर्फ समय। समय एक ऐसी पहेली जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया है, सिवाय मेरे।
जोशी सर, इतनी सुबह सुबह? कुछ अर्जेंट काम था सर। समय? क्या तुम भी यही चाहते हो कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है ये सब खत्म हो जाए? हो रहा है मतलब? मतलब कि ये मास्क, ये पीपी किट, ये वायरस आउटब्रेक सब खत्म हो जाए। ये मैं क्या सर, ये तो सभी चाहते हैं। या अच्छा समय, टेल मी कितना टाइम हो गया देशा और तुम्हारे बच्चे की? अराउंड 1 साल सर। आई एम सो सॉरी समय, आई नो कि तुम किन किन चीजों से गुजर रहे हो। इट्स जस्ट दैट इट्स ऑल राइट सर। ओके समय, आई हैव गुड न्यूज एज वेल एज बैड न्यूज फॉर यू। एंड द गुड न्यूज इज, वो इंसान जिसने वायरस को प्लॉट किया है, जिसकी वजह से आज तेशा और तुम्हारा बच्चा यहां हमारे बीच में नहीं है, उस इंसान का पता चल गया है समय। वी फाउंड हिम। It's already late. Come on, get up. Be a good girl. Okay. Aram se, aram se. Hi, baby. Mama, Papa is waiting for you. And we love you. I love you too. कॉल है वो सर, एंड व्हाट्स द बैड न्यूज? मेरे पास तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही वर्ड है, समय। सर,
मैंने तो कुछ नहीं किया। समय, तुम ही हो जिसने वायरस को प्लॉट किया है। इट्स यू समय, इट्स यू। तुमने ही अपने फियांसे से तेशा और अपने होने वाले बच्चे की जान ली है। What the hell are you talking about, sir? मैं कैसे अपने समय, प्लीज सिट, लेट मी एक्सप्लेन। आज से 9 साल बाद यानी कि 2030 वाले समय की बात कर रहा हूं। समय, अभी तो तुम ठीक हो, लेकिन आज से कुछ ही साल बाद यू विल गेट डायग्नोस्ड विद स्किज़ोफ्रेनिया, विच विल लीड टू मेमोरी लॉस।
तुम्हारा ब्रेन तेशा और तुम्हारे होने वाले बच्चे की डेथ को झेल नहीं पाएगा. यू विल स्टार्ट हेलुसिनेटिंग देम. समय तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि वो तुम्हारे साथ है. सिर्फ वही तुम्हारे लिए सच होगा, बाकी सब झूठ. तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि लोग तुम्हें तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं. तो तुम जाकर मिल जाओगे उस फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन से जिसने इस वायरस को बनाया है और तुमसे ये वायरस प्लॉट करवाया है. और उस वायरस को प्लॉट करने के बदले में तुम उनसे मांगोगे सिक्योरिटी, सेफ्टी अपनी और अपनी फैमिली के लिए. वो फैमिली जो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करती समय. आई नो समय, तुम्हें अभी कैसा फील हो रहा है? मुझे भी कुछ ऐसा ही फील हुआ था जब मैंने अपनी आंखों से खुद जाकर तुम्हारा फ्यूचर देखा था. समय, आज से आने वाले कुछ ही सालों में तुम 5 करोड़ से भी ज्यादा इंडियंस की मौत के जिम्मेदार बनने वाले हो. अच्छा समय, टेल मी, तुम काम क्या करते हो? मैं स्पेशल फोर्सेस में हूं सर. ये तो तुम्हारा मेड अप प्रोफेशन है समय, तुम एक्चुअल में क्या काम करते हो? सर, आई वर्क इन अ सीक्रेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड टाइम फोर्सेस. हम टाइम में आगे या पीछे जाकर उन इवेंट्स को चेंज करते हैं जिनकी वजह से हमारा आने वाला कल खतरे में पड़ सकता है. सो आई थिंक तुम्हें पता है समय कि अब तुम्हें क्या करना है. ऑफिसर, फ्यूचर समय 2030 से वायरस लेकर टाइम ट्रेवल करते हुए टाइम में वापस जाता है ऑन 1st February 2020. सेंट विक्टोरिया पार्किंग लॉट से टैक्सी लेकर सेंट लुइस की बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर जाकर वायरस को प्लॉट कर देता है. और उसके ठीक 9 दिन बाद तेशा और तुम्हारे बच्चे की डेथ हो जाती है. वो भी सिर्फ उस वायरस की वजह से जो समय 2030 ने सिर्फ इसलिए प्लॉट किया था क्योंकि वो उसके क्योंकि वो डर गया था कहीं उसकी बीवी और बच्चा उससे फिर से अलग ना हो जाए. लेकिन प्लान क्या है सर? तो प्लान ये है कि तुम उस टैक्सी के ड्राइवर बनकर जाओगे जिसमें फ्यूचर समय सेंट विक्टोरिया से सेंट लुइस गया था. एंड यस, डोंट फॉरगेट टू हाइड योर फेस. और मौका मिलते ही वो ब्रीफकेस जिसमें वायरस है वो लेकर यहाँ टाइम में वापस आओगे मेरे पास. एंड दैट्स इट. सब कुछ ठीक हो जाएगा समय. अभी भी हम करोड़ों लोगों की जान बचा सकते हैं.
वापस लेना। Thank you.
हेलो देशु बेबी, कैन आई कॉल यू बैक इन सम टाइम? अभी थोड़ा सा बिजी हूँ। हाँ हाँ बेबी बिजी हूँ। देखो देखो सामने से टेररिस्ट जा रहा है। अरे बेबी आज तो हैकर के पीछे हूँ, आज तो पीएम सर की ड्यूटी है ना मिस्टर समय। आज फिर प्लान कैंसिल कर दिया ना तुमने हमारा। बेबी प्लीज यार, समय जिस तरीके से तुम हमारे प्लान कैंसिल करते हो ना, मुझे तो कभी कभी लगता है मैं शादी कैंसिल कर दूँ हमारी। बेबी लिसन ना यार, आई एम सो सॉरी यार, थोड़ा अर्जेंट काम था। अच्छा वैसे भी कल तो मिल रहे हैं ना हम लोग 100%, और वैसे भी 2 हफ्ते की तो बात है, उसके बाद तो तुमने पूरी लाइफ टाइम झेलना है मुझे। समय यार, बेबी यू हैव टू प्रॉमिस, हाँ कल कुछ भी हो जाए ना तुम प्लान नहीं कैंसिल करोगे हमारा, वरना यू सी मैं क्या करती हूँ। अब ओके ओके पक्का पक्का 100% नहीं करूंगा। अच्छा लिसन आई गॉट अ गो नाउ, ठीक है? ओके बट फर्स्ट गिव मी अ किस। अरे यार बेबी ऐसे कैसे, बाय। ठीक है बाय, मुझे कॉल मत करना। अरे लिसन, अच्छा ठीक है। यू सीरियसली डिड इट? अच्छा बाय, लव यू। लव यू टू, बाय। हेलो सर, लेट मी गेट दिस स्ट्रेट, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आज से ठीक 3 दिन बाद यानी 1 फरवरी को मेरा 2030 वाला फ्यूचर वर्जन टाइम ट्रेवल करके यहाँ यानी 2020 में आएगा वायरस प्लॉट करने के लिए, और जिस टैक्सी में वो सेंट लुइस जाएगा उस टैक्सी का ड्राइवर मेरा ही 2021 वाला वर्जन होगा, और आज से ठीक 12 दिन बाद तैशा मर जाएगी। सर लेकिन अगर आपने मेरे 2021 वाले वर्जन को वहां भेज दिया है वायरस लाने के लिए, तो फिर आप मुझे क्यों भेजना चाहते हैं? क्योंकि समय, तुम्हारा 2021 वाला वर्जन कभी वापस आया ही नहीं था। मतलब ये कि 2021 वाले समय ने ऑलरेडी तेशा और अपने बच्चे की डेथ अपनी आंखों के सामने देख ली थी, और तुम्हारे वर्जन 2030 की तरह वो भी स्पेन और लॉस को झेल नहीं पाया था, पागलपन सवार हो गया था उसके सर पे। वो वायरस को कभी वापस लाया ही नहीं था, बल्कि वो खुद जाकर उस वायरस को प्लॉट करके आया था। उसका ये मानना था कि उसका अपना तो कोई रहा नहीं और वो बाकी लोगों से भी उनके अपनों को छीन लेगा,
और फ्यूचर का भी चेंज हुआ ही नहीं समय। पर अब हमारे पास सिर्फ एक लास्ट चांस बचा है समय, एंड इट्स यू समय। समय जो 2020 में है, जिसने अभी तक वो लॉस फेस नहीं किया है और जो चाहता है कि सब खुश रहें जैसे अभी है। वो देशा और उनका होने वाला बच्चा। पर समय, अगर तुमने भी वही किया जो तुम्हारे बाकी फ्यूचर वर्जन्स ने किया है, तो ये मत भूलना कि मुझे पता है कि तुम कहां मिलोगे। मैं वहीं आकर तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगा। ऐसी नौबत नहीं आएगी सर। आई विश कभी आए भी ना। अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं 5 करोड़ से भी ज्यादा इंडियंस की लाइफ बचाने के लिए। एंड यस समय, अपनी गन कैरी करना मत भूलना। श्योर सर।